जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कश्मीरी अलगाववादियों को मिली सुरक्षा छीन लेने का फैसला किया है। इन अलगाववादी नेताओं में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी, शब्बीर शाह शामिल है। गौरतलब है कि सरकार हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक इन अलगाववादियों को मुहैया कराई गई सुरक्षा आज शाम से वापस ले लिए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि किसी भी अलगाववादी को सुरक्षा बल अब किसी भी सूरत में सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे। अगर उन्हें सरकार की तरफ से कोई अन्य सुविधा दी गई है तो वह भी तत्काल प्रभाव से वापस ले ली जाएगी। इसके साथ ही अब पुलिस मुख्यालय किसी अन्य अलगाववादियों को मिली सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगा और उसे भी तत्काल वापस ले लिया जाएगा। यह कदम ऐसे समय लिया गया है जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दो दिन पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ तत्वों का आईएसआई और अन्य आतंकी संगठनों से सांठगांठ है, उन्हें मिली सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। ऑर्डर के मुताबिक रविवार शाम से ही अलगाववादियों को मिली सभी सुरक्षा और गाड़ियों को हटा लिया जाएगा। किसी भी प्रकार से इन 6 या दूसरे अलगाववादियों को कोई कवर या सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। अगर उन्हें सरकार के द्वारा कोई दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं तो वे भी तत्काल डाली जाएगी। हालांकि आदेश में पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस इस बात की समीक्षा करेगी क्या किसी अन्य अलगाववादी को कोई सुरक्षा या सुविधा मिली हुई है तो उसे तत्काल हटा लिया जाए। हम आपको बता दें कि पुलवामा में गुरुवार को सीआरपीएफ की टुकड़ी पर किए गए फियादीन हमले में 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले को लेकर देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। हर तरफ यही मांग है कि जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। मोदी सरकार इसके लिए एक्शन में भी नजर आ रही है। इससे पहले शनिवार को ही एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पुलवामा हमले का जिक्र कर देशवासियों को आश्वस्त किया। पीएम कहा कि मैंने कल भी कहा है और आज फिर से दोहरा रहा हूं कि पुलवामा के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वे चाहे जितना भी छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। तो दोस्तों, मोदी सरकार का क्या ये कदम आपको ये कैसा लगा और ये कदम बिल्कुल सही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? और जिस तरह से इन अलगाववादियों को जितनी भी फैसिलिटी दी जा रही है उन्हें वापस लेकर क्या मोदी सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन कश्मीरियों से या इन अलगाववादियों से और किस तरह का सलूक किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइए।